हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप सब बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मैं राहुल मंडल स्वागत करता हूं आप सभी को इस वन डे वन टॉपिक सीरीज में। तो आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करूंगा टोटल डेकार्ट्स फिलोसॉफी को। तो इस सेशन को देखने के बाद आपको डेकार्ट्स के जितने सारे क्वेरीज थे, डाउट थे, वो सारे क्लियर हो जाएगा। तो सेशन को एंड तक जरूर देखना और लास्ट में आपका फीडबैक देकर जाना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा 2021 से। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक्स डिस्कोर्स ऑन मेथोड एंड मेडिटेशन? तो इन पुस्तकों का लेखक कौन है, डिस्कोर्स ऑन मेथोड और मेडिटेशन का? तो ऑप्शन ए बार्कले, ऑप्शन बी डेकार्ट्स, ऑप्शन सी लॉक या फिर ऑप्शन डी स्पिनोजा। तो फ्रेंड्स, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी डेकार्ट्स। तो डेकार्ट्स ने डिस्कोर्स ऑन मेथोड और मेडिटेशन ग्रंथ लिखा था। तो डिस्कोर्स ऑन द मेथोड ये ग्रंथ लिखा था 1637 में, राइट, और मेडिटेशन ऑन फर्स्ट फिलोसफी इस ग्रंथ को लिखा था 1641 में, राइट। तो ये भी याद रखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विथ रेफरेंस टू डेकार्ट्स? तो निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है डेकार्ट्स के संदर्भ में? तो ऑप्शन ए मैटर इज समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन बी आई थिंक देयरफॉर आई एम, ऑप्शन सी आई एम देन आई थिंक। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ये आप लोगों को बताना होगा। तो फ्रेंड्स, डेकार्ट्स का जो मेन प्रिंसिपल है वो है कोजिटो अर्गो सुम, उसका अर्थ है आई थिंक देयरफॉर आई एम, राइट। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन बी मीन्स ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। तो देखो ऑप्शन डी में है बी ओनली इज करेक्ट, राइट। तो यही है। तो गाइस, जब आप लोग आंसर को क्लिक करोगे तो ध्यान से क्लिक करना, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर ऑप्शन बी है मीन्स ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। अगर आप लोगों ने देखा कि ठीक है ऑप्शन बी करेक्ट है तो ऑप्शन बी पर क्लिक करके आ जाओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, राइट। तो ये भी ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक मैच द लिस्ट पूछे गए हैं। तो लिस्ट वन में है ह्यूम, डेकार्ट्स, बार्कले और लॉक, और लिस्ट टू में है इम्प्रेशन, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, रिप्रेजेंटेशनलिस्ट और ड्यूअलिज्म। तो फ्रेंड्स, ड्यूअलिज्म कौन दार्शनिक को बोला जाता है? तो फ्रेंड्स, ड्यूअलिज्म डेकार्ट्स को कहा जाता है। और ड्यूअलिज्म कौन कौन सा है? माइंड एंड बॉडी, राइट। तो देखो बी को फोर से मिलाओ तो देखो एक ही है, वो है ऑप्शन टू, राइट। तो ऑप्शन टू हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखो ह्यूम का इम्प्रेशन, राइट, और बार्कले का ये तो सब्जेक्टिव आइडियलिज्म हो जाएगा, राइट, और देखो डी लॉक ये तो रिप्रेजेंटेशनलिस्ट हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन टू हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कार्टेशियन डाउट इम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ, तो कार्टेशियन संदेह का अर्थ है कि किसका अस्तित्व स्थापित करना चाहता है? तो ऑप्शन ए थिंकर, ऑप्शन बी डाउटर, ऑप्शन सी सेल्फ या फिर ऑप्शन डी माई सेल्फ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने कैजुअली इस आंसर को देखोगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको सही लगेगा, लेकिन सारे ऑप्शन सही नहीं होगा। ओनली जो खुद डाउट कर रहा है मीन्स डाउटर का जो एग्जिस्टेंस है उसको स्थापित करने के लिए ये कार्टेशियन डाउट इस्तेमाल किया जाता है। देखो, अगर मैंने कहा आई एम डाउटिंग समथिंग, तो ये जो आई है वो क्या है, वो जो डाउट कर रहा है मीन्स जो डाउटर है वो है, राइट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू डेकार्ट्स द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ मैटर इज दैट इट इज, तो डेकार्ट्स के अनुसार पदार्थों की सबसे मौलिक विशेषता ये है कि ऑप्शन ए कलर्ड, ऑप्शन बी एक्सटेंडेड, ऑप्शन सी मूवेबल या फिर ऑप्शन जी स्टेशनरी। तो फ्रेंड्स, डेकार्ट के अनुसार सब्सटेंस दो तरीके के हैं, एक है माइंड और दूसरा है बॉडी या फिर मैटर, राइट। तो जो माइंड है उसका करेक्टरिस्टिक्स है थिंकिंग, राइट, और जो बॉडी है और मैटर है उसका करेक्टरिस्टिक है एक्सटेंडेड, राइट। तो माइंड है थिंकिंग थिंग और नॉट एक्सटेंडेड, और मैटर का है एक्सटेंडेड बट नॉट थिंकिंग, राइट। तो यहाँ पर देखो
मैटर का करेक्टरिस्टिक्स पूछा है तो यहाँ पर एक्सटेंडेड हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू डेकार्ट्स द आइडिया ऑफ गॉड इज, तो डेकार्ट्स के अनुसार ईश्वर का विचार है ऑप्शन ए पॉसिबिलिटी, ऑप्शन बी ए बिलीफ, या फिर ऑप्शन सी एन इननेट आइडिया, या फिर ऑप्शन डी एन इन्फरेंस। तो फ्रेंड्स, डेकार्ट्स के अकॉर्डिंग ये जो ईश्वर का आइडिया है, मीन्स ईश्वर का जो धारणा है, वो है जन्मजात धारणा, मीन्स इननेट आइडियाज, राइट। और डेकार्ट्स ने इननेट आइडिया के बारे में बोला है कि सम आइडियाज आर इननेट, और लाइबनिज ने कहा है कि ऑल आइडियाज आर इननेट, और लॉक ने इननेट आइडियाज को क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा है कि नो आइडियाज आर इननेट। तो ये सारे अपने कॉपी पे लिख लो। और डेकार्ट्स ने कहा है कि इन द ऑर्डर ऑफ नॉलेज द क्राइटेरिया कम्स फर्स्ट, बट इन द ऑर्डर ऑफ एग्जिस्टेंस गॉड कम्स फर्स्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एसर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो एसर्शन में बोला है कि डेकार्ट्स मेथड इज कॉल्ड मैथमेटिकल मेथड, क्या ये एसर्शन सही है? ये तो बिल्कुल सही है, और एक नाम से जाना जाता है, इसको कार्टेशियन मेथड भी बोला जाता है, राइट। और रीज़न क्या है कि हिज एम इज़ टू फाइंड ए बॉडी ऑफ सर्टेन एंड सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स, तो ये भी सही है, और इनमें से कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। कि देखो, डेकार्ट्स मेथड इज़ कॉल्ड मैथमेटिकल मेथड बिकॉज हिज एम इज़ टू फाइंड ए बॉडी ऑफ सर्टेन एंड सेल्फ एविडेंट ट्रूथ्स, राइट। तो यहाँ पर रिलेशन नहीं हो रहा है। तो देखो, ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू बट डज नॉट प्रोवाइड ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू ए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच इज द क्वालिटी ऑफ माइंड अकॉर्डिंग टू डेकार्ट्स, तो डेकार्ट्स के अनुसार मन की गुणवत्ता कौन सी है? तो ऑप्शन ए थिंकिंग एक्सटेंडेबल, ऑप्शन बी नॉन थिंकिंग नॉन एक्सटेंडेबल, ऑप्शन सी थिंकिंग नॉन एक्सटेंडेबल, या फिर ऑप्शन डी नॉन थिंकिंग और एक्सटेंडेबल। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि जो माइंड है वो थिंकिंग करता है और उसका कोई एक्सटेंडेबल नहीं होता है, राइट। तो नॉन एक्सटेंडेबल होता है। तो देखो, ऑप्शन सी थिंकिंग एंड नॉन एक्सटेंडेबल है, राइट। और देखो, जो ऑप्शन डी है नॉन थिंकिंग और एक्सटेंडेबल, ये तो बॉडी और मैटर का क्वालिटी है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू डेकार्ट्स आवर नॉलेज ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड्स इज ए और एन, तो डेकार्ट्स के अनुसार बाहरी दुनिया के बारे में हमारा ज्ञान है ऑप्शन ए परसेप्चुअल नॉलेज, ऑप्शन बी इंट्यूटिव नॉलेज, ऑप्शन सी डिडक्टिव नॉलेज, या फिर ऑप्शन डी इननेट नॉलेज। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इननेट नॉलेज ये तो नहीं हो सकता है, राइट। क्योंकि हमारे जन्म के से पहले ही ये बाहरी जो दुनिया है वो नहीं रह सकता, राइट। तो देखो, और इंट्यूटिव नॉलेज और डिडक्टिव नॉलेज ये क्या है, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताना है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए परसेप्चुअल नॉलेज, मीन्स इंद्रियानुभवात्मक ज्ञान। ओके, तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन भी है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ इननेट आइडियाज इज कंसिस्टेंट विथ, तो जन्मजात विचारों का सिद्धांत संगत है, तो ऑप्शन ए डेकार्ट्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी बार्कले, या फिर ऑप्शन डी ह्यूम। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इसको पहले ही डिस्कस किया कि ये जो इननेट आइडियाज है वो डेकार्ट्स लाइबनिज ने दिया है, राइट। और डेकार्ट्स ने कहा है कि सम आइडियाज आर इननेट, और लाइबनिज ने कहा है कि ऑल आइडियाज आर इननेट, लेकिन जॉन लॉक ने इसको क्रिटिसाइज किया है और उन्होंने कहा है कि नो आइडियाज आर इननेट, राइट। तो देखो, यहाँ पर ऑप्शन ए डेकार्ट्स ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो द डॉक्ट्रिन ऑफ इननेट आइडियाज इज कंसिस्टेंट विथ डेकार्ट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डेकार्ट्स थ्योरी ऑफ माइंड बॉडी रिलेशन इज, तो डेकार्ट का मन शरीर संबंध का सिद्धांत है ऑप्शन ए पैनसाइसिज्म, ऑप्शन बी आइडेंटिटी थ्योरी, ऑप्शन सी पैरेललिज्म, या फिर ऑप्शन डी इंटरैक्शनिज्म। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी इंटरैक्शनिज्म। अब इंटरैक्शनिज्म इसका अर्थ क्या है और डेकार्ट्स ने क्या कहा है वो हम लोग देखेंगे। तो देखो, यहाँ पर देखो डेफिनेशन ऑफ इंटरैक्शनिज्म, तो इंटरैक्शनिज्म का अर्थ है ए थ्योरी दैट माइंड एंड बॉडी आर डिस्टिंक्ट
एंड इंटरेक्ट कॉजली अपन वन अनदर, राइट। और देखो कार्टेशियन इंटरेक्शनिज्म इज द बिलीफ बेस्ड सपोर्टेड बाय रेन डेकर्स, और उन्होंने कहा है कि द माइंड एंड बॉडी आर टू सेपरेट काइंड ऑफ थिंग्स येट दे हैव अ कॉजल इन्फ्लुएंस ऑन ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल देखो इफ यू वॉन्ट टू स्क्रैच योर ईयर योर माइंड टेल्स योर बॉडी टू सो देन यू स्क्रैच योर ईयर। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू डेकार्ट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट आई थिंक देयरफॉर आई एम, तो डेकार्ट्स के अनुसार मुझे लगता है इसलिए मैं हूँ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए थिंकिंग प्रीसीड्स एग्जिस्टेंस, ऑप्शन बी एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स थिंकिंग, या फिर ऑप्शन सी बोथ द अबव, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, तो पहले हम लोग सोचेंगे उसके बाद हमारा एग्जिस्टेंस का पता चला जाएगा, राइट। तो देखो जो ऑप्शन ए है थिंकिंग प्रीसीड्स एग्जिस्टेंस, तो सोचने के बाद ही एग्जिस्टेंस का पता चल जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखो ऑप्शन बी में क्या था कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स थिंकिंग, हमारा अस्तित्व है इसलिए हम सोचते हैं, ये तो नहीं है ना, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु क्लेम्ड दैट द एक्सक्लूसिव कंसर्न ऑफ मैथमेटिक्स इज विथ क्वेश्चंस ऑफ ऑर्डर और मेजर, तो किसने दावा किया कि गणित का विशेष सरोकार क्रम या माप के प्रश्नों से है। तो ऑप्शन ए लाइबनिज, ऑप्शन बी कांट, या फिर ऑप्शन सी डेकार्ट्स, या फिर ऑप्शन डी रासेल। तो फ्रेंड्स ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी डेकार्ट्स। तो डेकार्ट्स मैथमेटिशियन भी था, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर डेकार्ट्स द क्राइटेरियन ऑफ ट्रूथ इज, तो डेकार्ट्स के लिए सत्य की कसौटी है, तो ऑप्शन ए क्लैरिटी, ऑप्शन बी डिस्टिंक्टनेस, ऑप्शन सी क्लैरिटी एंड डिस्टिंक्टनेस, या फिर ऑप्शन डी नेदर क्लैरिटी नॉर डिस्टिंक्टनेस। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी क्लैरिटी एंड डिस्टिंक्टनेस। तो फ्रेंड्स डेकार्ट्स के अकॉर्डिंग जो सत्य का मानदंड होगा वो क्लियर होना चाहिए और डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए, राइट। और डेकार्ट्स ने कहा है कि ये जो माइंड और बॉडी है वो क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडियाज़ है। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक मैच द लिस्ट पूछा गया है, तो लिस्ट वन में है समाम बोनम, कोजिटो आर्गोसुम, एसेइस्ट पर्सिफाई पर्सिफायर और टबुला रजा, और लिस्ट टू में है लॉक बार्कले डेकार्ट्स और एरिस्टोटल। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा है कि डेकार्ट्स का जो मेन प्रिंसिपल था वो क्या था, कोजिटो आर्गोसुम, तो बी को थ्री से मिलाओ तो देखो एक ही ऑप्शन है वो है ऑप्शन वन, राइट। और देखो समाम बोनम ये तो एरिस्टोटल ने कहा है, राइट। और एसेइस्ट पर्सिफाई एट पर्सिफायर ये तो बार्कले हो जाएगा। अब देखो टबुला रजा ये तो जॉन लॉक हो जाएगा, करेक्ट। तो ऑप्शन वन हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डेकार्ट्स पर्स्यूज द मेथड ऑफ डाउट व्हिच इनिटेट्स ए मूव इन द डायरेक्शन ऑफ, तो डेकार्ट्स संदेह की विधि का अनुसरण करता है जो किस दिशा में एक कदम शुरू करता है। ऑप्शन ए नेगेटिविज्म, ऑप्शन बी सॉलिप्सिज्म, ऑप्शन सी स्केप्टिसिज्म, या फिर ऑप्शन डी सर्टिट्यूड। तो फ्रेंड्स ये जो डेकार्ट्स का मेथड ऑफ डाउट है, ठीक है, वो किस लिए करता है, वो सर्टेनिटी की तरफ पहुंचने के लिए ही तो डाउट करता है, राइट। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन डी सर्टिट्यूड मीन्स सर्टेनिटी, राइट। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। कोजिटो आर्गोसुम इम्प्लाइज, तो कोजिटो आर्गोसुम का तात्पर्य जो है ऑप्शन ए सेल्फ कॉन्शियसनेस, ऑप्शन बी द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ऑप्शन सी द ईगो एंड द ऑब्जेक्ट, या फिर ऑप्शन डी एफेक्टिव एंड वल्नरेबल स्टेट्स। तो फ्रेंड्स कोजिटो अर्गो सुम इसका इंग्लिश अर्थ है कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, राइट। तो यहाँ पर देखो जो आई है वो क्या है, वो तो सेल्फ है, राइट।
देखो यहाँ पर ऑप्शन ए सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो कॉजिटिव अर्गो सुम ये इम्प्लाइज करता है सेल्फ कॉन्शियसनेस को, राइट। ना तो ये द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को इम्प्लाइज करता है, ना द ईगो एंड द ऑब्जेक्ट को, और ना ही इफेक्टिव एंड वल्नरेबलिस्टिक स्टेट्स को। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो दैट्स ऑल। उम्मीद करूँगा ये सेशन और ये सीरीज दोनों आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब फटाफट सेशन को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।